कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और सुबह की 10:30 हो रही है। एजल माशाल्लाह उठ चुकी है, अपने बाबा के साथ टेरेस में है, बैल्कनी में। और आयरा अभी तक सोई हुई है। मैं दिखा दूँ, वो सुबह उठी थी तो उसे फीड लिया था। किधर गई? सुबह उठी थी तो माशाल्लाह वो अभी तक मेरा ही फीड लेती है, तो उसको मैंने फीड करा दिया था सुबह 6 बजे। तो उसके बाद वो दोबारा, ओए हमारे एमिरेट्स आईडी आ गए थे सुबह। अच्छा, तो उसको मैंने फीड करा दिया था, दोबारा सो गई थी तो इसीलिए। तो मैं सुबह, मैं अभी जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ। सलमा यासीन के ब्लॉग में मैंने देखे थे अफगानी ऑमलेट्स, तो वो बनाती हूँ जल्दी से और उसके बाद चाय पीते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है, प्रिपरेशन सारी हो रही है, साथ में ब्रेड सेक रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल लगा के, और साथ ही चाय बनने के लिए अब रखने लगी हूँ, और साथ ही 2 अंडे हैं। आयरा अभी तक नहीं उठी, उठ गई है, फिर इसको साइड पे रख लेती हूँ, आयरा के पास जाते हैं। सो ये है हमारा अफगानी ऑमलेट और ये साथ में ब्रेड है। सो हम अपना नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है? सो नाश्ता हमारा हो गया। अब मैंने एजल आयरा के लिए सीख कबाब कढ़ाई बना ली है, क्योंकि वाइट राइस करके बड़े हुए हैं, तो मैंने कहा साथ ये खा लेंगी वो दोनों। हमारा तो हैवी नाश्ता हो गया, हम तो मुश्किल है खाना खाएं, बट उनके लिए तो जाहिर सी बात है कुछ बनाना था। तो ये मैंने सीख कबाब कढ़ाई बनाई है। सीख कबाब मैं पाकिस्तान से लाई थी, ये बहुत यम्मी सीख कबाब का होते हैं। ये मैंने एयर फ्रायर में फ्राई किए हैं, ये ऑलरेडी लाइक कुक्ड है, बट मैंने थोड़ा सा गर्म किया एयर फ्रायर में दोबारा से। और ये कढ़ाई भी बन गई, दोनों को नहलाना है, घर साफ करना है, ये दोनों काम रहते हैं, इसको नहलाना। टाइम 12 बज रहे हैं, तो जल्दी से दोनों को नहलाना है, उसके बाद बस घर की क्लिनिंग करनी है। घर की क्लिनिंग, अब छोटा सा घर है, जल्दी हो जाती है, बट इनको नहलाना, इनको नहीं जस्ट एजल को, बहुत मुश्किल है, गिनती भी जल्दी हो गई। तो चलिए नहलाती हूँ। सो इसको भी नहला दिया है मैंने, इसको भी नहला दिया है, अभी बार बार अपने बाल ब्रश कर रही है। और मैं भी तैयार हो गई हूँ, मैं उठ के अपना ड्रेस दिखाऊंगी। ड्रेस मैंने लिया था खाड़ी से, इस तरह का है, जब मैं उठूंगी तब मिरर में दिखा दूंगी। और जीन्स मैंने ली थी आई थिंक आउटफिटर से ही ली थी। और इसके तो बाल ड्राई हो गए ऑलरेडी, एजल के ड्राई होने में बहुत टाइम लेते हैं, और टाइम 1 बज रहे हैं, और लंच करके हमने थोड़ा बाहर जाना है सेंटर पॉइंट तक, और बाहर जा। सो ये है मेरी फाइनल लुक, ये ड्रेस खाड़ी का है और ये जीन्स आउटफिटर्स की, और ये है एजल, ये है आयरा, और शूज़ मैंने लिए थे शू एक्सप्रेस अबू धाबी में। तो चले निकलते हैं, फिर आपसे बाहर जाके मिलती हूँ, ठीक है? और टाइम अभी हो रहा है 1:46, ठीक है? इनको मैंने खाना खिला दिया, इन लोगों ने खाना खा लिया है माशाल्लाह से, और इनका बैग भी रेडी है, वो भी उठाते हैं, किचन साफ है, जस्ट ये खाना रह गया है, 2 कबाब मैंने बनाए थे, 1 किलो मैंने खा लिया, 1 रह गया। सो सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट गए थे, मैंने नेकलेस लिए हैं, वो मैं घर जाके दिखा दूंगी। और अभी हम आए हैं इधर जिना स्वीट्स,
ये वाला पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, उधर से हमने कोई चना चाट लेनी है अगर मिल गए तो। बोल रहे हैं कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो अगर मिल गए। आयरा का सर आ रहे हैं बीच में ना, आयरा का सर ही देख ले चले। तो चना चाट लेने आए, चना चाट खाने दिल कर रहा था। ये सुनसान सा एरिया है तो देखते हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जिनाज स्वीट्स, इधर से चना चाट का मेरा बहुत दिल कर रहा था जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ। तो चना चाट देखते हैं अगर मिल गई तो। नेकलेसेस मैं घर जाके दिखाती हूँ जो मैंने लिए, ठीक है? देखते हैं चना चाट अवेलेबल है या नहीं है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो ये हमने चाट ली है, चना चाट है और साथ में ये है शामी कबाब और साथ में चटनी है और ये हमारी लस्सी है और ये है जो मैंने दिखाती हूँ। फिलहाल ये खाते हैं फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है? हाँ जी, तो आयरा इज सो की उठ चुकी है, टाइम है दिखा दूँ, 6 बज रहे हैं, 10 मिनट ऊपर 6 बज रहे हैं, सो क्या कहते हैं पता नहीं। और अभी हम थोड़ा, अभी मैंने दोनों को फ्रूट दिया है, आयरा ने मैंगो खाया है सीरियस सारा माशाल्लाह, ये जो लेम वाटर मेलन का है। और ये मैं दिखा दूँ, ये मैंने स्टड्स लिए हैं, ये थे 15 दिरहम्स के, ये मैं ऐसे इसलिए दिखा रही हूँ जो कि पीछे दोनों खड़ी हैं, ये आयरा और ये सर। और ये रहा नेकलेस, ये मैं जो रिंग्स हैं ये मैं निकाल दूँगी ये, और ये जस्ट नेकलेस रह जाएगा। और ये था 29 दिरहम्स का, मुझे प्लेन नेकलेस चाहिए था तो ये प्लेन है बिल्कुल, तो ये 3 रिंग्स मैं निकाल दूँगी, मुझे नहीं चाहिए। ये इस तरह के हैं, 2 प्लेन हैं और एक इस तरह, और थर्ड वन ये है, ये 3 का सेट है, ये भी प्लेन ही है, ये मैं निकाल दूंगी। और ये 3 है, ये अलग भी पहन सकते हो साथ भी। और अभी मैं पहन लूंगी तो, और अभी हम, मैंने ड्रेस दोबारा चेंज कर दिया, मैं दिखा दूँ, मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। और अभी हम थोड़ा वॉक के लिए नीचे जा रहे हैं और मुझे एक किसी का कमेंट आया है, हफ्सा अली, उनको वीडियो चाहिए थी, तो उनको मैं ज़रा वीडियोस बना के सेंड कर देती हूँ अगर अच्छी बन गई तो। तब चले नीचे जाते हैं जल्दी से, बर्तन भी वॉश होने वाले हैं, बट वो अभी मैं वॉश नहीं करने लगी क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, फिर वो वीडियो नहीं बन सकेंगी। अच्छा, शूज़ में आती हूँ उसको क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा अंधेरा होने वाला है, तो जल्दी से नीचे जाते हैं। खाने में हमने चाउमीन ऑर्डर किया था और चिकन कढ़ाई और साथ में फ्राइड राइस। उस टाइम इनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, और उसके बाद जो मैंने मीठा बनाया था वो इन लोगों ने खाया है, तब इनका पेट नहीं भरा। फिर हस्बैंड आइसक्रीम लाए थे, वो ये लोग खा रहे हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं, फिर भी इन लोगों का पेट नहीं भरा माशाल्लाह से। इनको मैं खिला रही हूँ, और ये वाली आइसक्रीम है रेड वेलवेट। और टाइम मैं दिखा दूँ, 10:30 हो रहे हैं, हमने आज एक मूवी भी देखी है बहुत मज़े की। ये बोलिए बातें मत करो मुझे, बस खिलाती रहो। तो माशाल्लाह खाने में बहुत अच्छी है, दोनों बिल्कुल भी तंग नहीं करती। इसको केक नहीं चाहिए, इसको जस्ट आइसक्रीम चाहिए। तो बस अब मैं ब्लॉग को एंड करने लगी हूँ, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।
बाय बाय टाटा टाटा हाफिज हाफिज।